निशांत बिहार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जब मेरे पेट के अंदर जब मैं कुछ खाता हूँ, पेट के अंदर जो है एसिडिटी बन जाती है इतनी कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती। जी बेटा, उम्र बताइए। मेरी उम्र जो है अंकल 25 साल है। देखिए, बहुत कम उम्र में आपको ये शुरुआत हुई है और अभी इसका इलाज कर लें तो ये बेहतरी होगी। और ये पेट जो है बीमारियों की माँ है, इसको अच्छा रखेंगे तो बीमारियाँ आगे नहीं होंगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लगातार पेट के मरीज के फोन आ रहे हैं और वो भी कम उम्र। तो देखिए, मैं फिर वही नुस्खा दोहराता हूँ अभी जो मैंने बताया था कि धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और अलसी 200 ग्राम, ये सब लें। और एक चीज़ बाहर से मिलेगी आपको, ये असली लेना, कलौंजी का नमक। नमक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का नमक। ये नमकीन नहीं होता, लेकिन इसको क्योंकि कलौंजी से निकाला हुआ एस्टेक होता है तो ये बहुत तेज़ी से काम करता है। और इन सबको आप घर में पाउडर बनाएं, बाहर से पिसा पिसाया नहीं लाएं। और एक चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम, खाने से पहले या खाने के बाद पानी के साथ लें। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने लेना शुरू किया उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो गया और ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया ये ख़त्म होते होते आपकी बीमारी का ख़त्म होना मुमकिन है। शिमला से हैं अमीन, स्वागत है आपका। हाँ, मेरी पास की उम्र है 65 ईयर। ठीक है। उनके घुटनों में दर्द है, पूरी टांगों में। ठीक है सर। और पैरों में जलन है। देखिए, कुछ दिन अपनी पत्नी को मेहनत के काम ना करने दें, जैसे झाड़ू पोछा, और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ कराएं। ये कुर्सी वाला शौचालय होता है ये यूज़ कराएं। ये दो चीज़ें याद रखें। और गौन सियाह के बारे में बार बार बताता हूँ कि ये दुनिया की एक ऐसी बेहतरीन दवा है जिसे का असली मिल जाना बड़ा ज़रूरी है। गौन सियाह खरीद ले असली, और इसको, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, और इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाया करें, आपकी पत्नी को फायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। मोहम्मद साहब, स्वागत है। मोहम्मद अर्जद वारसी। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू हकीम साहब। वालेकुम सलाम वारसी साहब। सर, मेरे बच्चे हैं 22 साल के। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जब मटन तो खाते नहीं है, चिकन या मछली खाते हैं 2-3 टाइम, तो उनको 2-3 लेटरिन हो जाती है। और हमारे एक कजिन थे हकीम मुबीन साहब, मैं बिहार से हूँ, तो उन्होंने नब्ज देखा था बच्चे में, तो उन्होंने कहा था कि इसको धूप में मत जाने देना भाई। अभी वो दिक्कत हो रही है कि मछली खा लेता है 2 टाइम या चिकन खा लेता है, मटन तो खाता ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 22 साल है और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बराबर उसका पेट खराब हो जाता है जरा, इसलिए मेहरबानी करके कोई उपाय बताइए कि बच्चे का लीवर या जो भी गड़बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाए। ठीक है सर। जी देखिए, जब भी घर में खाना बने या जो खाना हो तो उसमें अदरक और लहसुन खूब कसरत से इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें, तब भी वो फ़ायदा हो सकता है उन्हें। और वो कॉलेज में पढ़ता है तो नमक जैतून है, एक नमक जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये असली ले, नकली बहुत मिलता है। और ये 2 चुटकी या 1 चुटकी पानी मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार बच्चे को खिला दिया करें, अगर कहीं भी परेशानी होगी उनको फायदा होना मुमकिन है। जी, हिमाचल से हैं रश्मि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। नमस्ते सर। वो सर, मेरे ना 2 सवाल हैं। सवाल ये है कि ना, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो आपने कहा था कि उसको वो देना है, दवाई बताई थी एक, वो दे रही हूँ सर मैं,
तो वो दवाई दे रही हूँ, तो उसके साथ आप कहते हो कि कोई भी सिरका ले सकते हो, तो मैं कलौंजी का सिरका दे रही हूँ शरण को. तो कलौंजी का सिरका खट्टा बहुत होता है सर, तो खट्टा होता है तो उसमें उनको नजला भी रहता है, तो नजले में दे सकते हैं उनको कलौंजी का सिरका? ये सवाल है मेरा. ठीक है. और दूसरा सवाल ये है कि मेरी जो मासी की बेटी है, मासी की बेटी है, उसको ये प्रॉब्लम है कि नसों की प्रॉब्लम है, और उसके थक्के थक्के से जम गए हैं उसके टांगों में, ये प्रॉब्लम दर्द है उनको, और द्वारा आपका वो गोंसिया ले रही है, तो उनको थक्के थक्के जम गया, तो उस थक्के की कोई दवाई बताओ सर, या कोई कैसे पिघलेंगे वो थक्के टांगों में जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता अच्छे से उनका, और ये प्रॉब्लम, और उनको एसिडिटी मोस्टली बनी रहती है, और वो जतन का नमक ले रही है, उससे फर्क रहता है? ये सवाल है सर मेरा. ठीक है सर. और दवाएं तो दोनों बहुत अच्छी ले ही रहे वो, और फर्क भी पड़ता है, तो जैतून का नमक ले दो दो चुटकी, दो बार या तीन बार पानी मिलाकर, और गौंसिया भी वो ले रहे, थोड़ा संयम रखें, धीरे धीरे उनको फायदा होगा. बस ये दो तीन बातें याद रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें अपनी ज़रूरत में, और वज़न और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, वज़न भी नहीं उठाएं और झाड़ू पोंछा भी ना करें. और क्या सवाल था? डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कलौंजी का सिरका, खट्टा, नज़ला भी है. हाँ, खट्टे चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं कर सकते जिनको नज़ला रहता है, तो उसकी जगह आप डायबिटीज़ की के लिए वो दे सकते हैं, गौंद जामुन, एक एक चुटकी दो बार गौंद जामुन देंगे, तो ये दुनिया की तेज़ असर दवा है गौंद जामुन, दिन में दो बार दीजिए और फायदा उठाइए. जी, हरियाणा से है रोशनी जी, स्वागत है आपका. हेलो. नमस्कार मैम. नमस्कार बेटा जी. भाई साहब नमस्कार. रोशनी जी स्वागत बहुत बहुत आपका. कैसे भाई साहब, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी तबीयत? अच्छा भाई साहब, मेरे दो सवाल है, फोन ना काटिए प्लीज. तो एक तो बेटे बहू है अपने लड़के की, उसकी बीच में दिक्कत हो रही है भाई साहब. स्वागत है भाई साहब. अच्छा बहू है उसका, एक तो डिश में दिक्कत है भाई साहब. ठीक है ठीक है ठीक है. तो उसका क्या करें, मैं क्या दूं क्या ना दूं उसको? और एक है अपनी दूर की है, कम बना अपनी एक, उसको क्या है, उसको गैस भी बढ़ती है, लीवर में दिक्कत है, और एक और बीमारी है. अरे एक और के बता है वो, हाँ एक उसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है. ठीक है ठीक. बहू के लिए जिसके डिश में तकलीफ है, गौंद सिया खरीद लें, आधा आधा ग्राम दो बार खाने के बाद इन्हें खिलाएं, तो बहुत आसानी से वो बहू की तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है. और जिस बच्ची को जिसके लिए आपने बताया है कि उसके दो तीन प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, पेट में भी दिक्कत है, और ब्लड प्रेशर भी है, तो ये रोग में बड़ा अच्छा काम करता है जो मैं बताने जा रहा हूँ. आपके किचन में सोडा होता है खाने का, जिसे बेकिंग पाउडर कहते हैं, खाने का सोडा दो चुटकी पानी में मिलाएं, और दो चुटकी नमक जैतून. नमक जैतून एक विशेष नमक है जो असली लेना है आपको. नमक जैतून दो चुटकी और खाने का सोडा दो चुटकी, ये पानी में मिला के दिन में दो तीन बार पिलाएं उसको, जिसका वज़न भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और पेट में तकलीफ है. ये तीनों रोगों पर एक साथ काम करता है. जी, नेक्स्ट कॉलर है उर्मिला जी, स्वागत है आपका. उर्मिला जी. हेलो. टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मैम. हो गया. चलिए मैम. नमस्कार मैम. नमस्कार मैम, प्रश्न करिए. मैंने दो बार गोंसिया मंगा चुकी, और कोलेस्ट्रॉल मंगा चुकी दो बार.
तो क्या दोबारा तीसरी बार मैं हकीम जी से पूछना चाहती हूँ, क्या दोबारा मंगवाऊँ? आपको फायदा कितना है? फायदा तो खैर अभी मेरे को 20-30% ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ तो आप जब भी खाए इसे आप और भी मंगा सकते हैं, दोबारा भी मंगा सकते हैं, तिबारा भी मंगा सकते हैं, लेकिन जब भी खाएं लगातार खाएं, छोड़ छोड़ के ना खाएं, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी राजेंद्र जी हैं पटियाला से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी सर बताएं। मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार। ये अपना हकीम जी से बात करा लो। कर लीजिए। जी मैं हाजिर हूँ, बताइए। अच्छा जी, तो मैं ऐसी बात है कि मैं 65 साल की उम्र का हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ जी। तो सर्दी 3 महीने में रजाई में रहा, क्योंकि ठंड बहुत लगती थी और कोई तकलीफ नहीं थी। तो अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मैं चल फिर नहीं सकता, इसके लिए कोई उपाय? कहीं दर्द है कमर में टांगों में? है नहीं, ना कोई दर्द नहीं है। चल फिर क्यों नहीं सकते, कमजोरी आ गई? चल फिर नहीं सकता, टांगों पे बोझ नहीं आता जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। वो 3 महीने लेटा रहा ना। ठीक है ठीक है जी। देखिए कोशिश कर लीजिए, एक चीज़ आती है, एक दवा आती है जो कच्ची दवा है, इसको कहते हैं गौंद सियाह। गौंद सियाह यानी काला गौंद। गौंद सियाह आप खरीद लें और इसको पाउडर बना लें, कच्ची रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी रात को खाने के बाद पानी या दूध से इसको यूज़ करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अपनी सोच पे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेके सोचते हैं, कोई हमारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है या फिर परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नौकरी से रिलेटेड होती है, मतलब तमाम ऐसी परेशानियां हो गई हैं कि व्यक्ति अब डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दिमागी सुकून के लिए हम ऐसा क्या करें? देखिए सब लोग अपने अपने आधार पर सोच में गिरफ्तार रहते हैं। जी जी जी। और हर शख्स की परेशानी उसके साथ है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि इसका हल नहीं है, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा कोई भी परेशानी दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं है, आप तरीके से उसका हल ढूंढते रहो और जो करना हो वो करते रहो, उसका हल एक दिन निकलता ज़रूर है। जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं तो नाउम्मीदी को डिप्रेशन कहते हैं। तो नुस्खा तो मैंने अभी बताया ही था, फिर से बता देता हूँ कि डिप्रेशन का नुस्खा ये है कि सौंफ, धनिया और खसखाश 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद के इसका पाउडर बना के रख लें, और एक आता है नमक जैतून, इसका नमक जैतून 1 या 2 चुटकी लें और पानी में मिलाएं, और इस पानी से ये 3 चीज़ों का पाउडर दिन में 1 बार या 2 बार खाया करें, आपका डिप्रेशन अच्छा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। अमृतसर से कॉलर हैं हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, ब्यम सिंह जी। जी जी सर बताएं। हाँ जी, मेरे को मैडम दिमाग मेरा बहुत ना भारी रहता है, ऐसे लगता है जैसे नशा किया होता है ना। हाँ, बोलता रहता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 58 है। ठीक है जी। सबसे पहले आप अपनी डायबिटीज चेक करा लें। जब डायबिटीज होती है तो हमें ऐसा भारीपन लगता है दिमाग पे और नींद आती रहती है, अगर ये कैफियत है तो ज़रूर अपनी डायबिटीज चेक करा लें, और डायबिटीज़ अगर ठीक है तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
आप नमक जैतून दो चुटकी पानी मिलाएं और दो चुटकी खाने का सोडा मिलाएं और दिन में एक बार या दो बार पी लिया करें, आप अच्छे रह सकते हैं।